हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुमन किचन। आज हम बनाएंगे आलू से भुजिया नमकीन। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपकी भुजिया एकदम बाजार जैसे क्रिस्पी, क्रंची और करारी बनेगी। आज मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगी जिससे कि आपकी आलू भुजिया नमकीन एकदम बाजार जैसे बनेगी। ये एकदम क्रिस्पी भुजिया बनी हुई है, ये देखिए। आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपकी भुजिया इसी तरह बनेगी। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ये देखिए कितनी क्रिस्पी भुजिया बनी हुई है। ये देखिए ये वाली भुजिया भी एकदम क्रिस्पी बनी हुई है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने 4 बॉयल आलू लिया है और इसको छील लिया है। इसे 2 से 3 घंटे के लिए ठंडा कर लिया है। इसको फ्रिज में रखकर बिल्कुल भी नहीं ठंडा करना है, ये अपने आप से ठंडा हो जाए। इसे हमें गर्म में नहीं बनाना है। अगर इसे हम गर्म में बना लेंगे तो हमारी आलू भुजिया सेव नमकीन क्रिस्पी, करारी और क्रंची नहीं बनेगी। ये बहुत जरूरी पॉइंट है, इसका हमें विशेष ध्यान रखना है। अब आलू को कद्दूकस कर लेंगे। ध्यान रहे कि कोई भी आलू इसमें खड़ी न जाने पाए, नहीं तो हमें सेव बनाने में प्रॉब्लम होगी। आलू एकदम अच्छे से मैश होनी चाहिए। ये हमने कद्दूकस लिया है, ये बारीक वाला है। अब इससे मैं आलू को ग्रेट करेंगे। ये सारा आलू हमने ग्रेट कर लिया है। अब इसको और टेस्टी बनाने के लिए इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। 1 छोटा चम्मच अमचूर पाउडर, 2 पिंच हींग, 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच नमक, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच सौंठ पाउडर, इसे अदरक का पाउडर भी कहते हैं, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला, ये 2 टेबल स्पून हम इसमें ऑयल डालेंगे। इससे हमारी सेव नमकीन एकदम क्रिस्पी और क्रंची बनेगी। ये मैंने 2 कप बेसन लिया है और अब हम इसमें इसको डाल के इसका डो तैयार करेंगे। पहले हम इसको अच्छे से मैश कर लेंगे। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा बेसन डालकर इसका रोटी के आटे जैसे डो लगा लेंगे। इसका डो जो है बहुत टाइट नहीं करना है और ना बहुत लूज, एकदम इसका डो एकदम रोटी के आटे जैसे होना चाहिए। जो बहुत लूज हो जाएगा तो हमारी सेव भुजिया क्रिस्पी करारी नहीं बनेगी। इसमें हम थोड़ा थोड़ा बेसन डालकर इसका डो तैयार करेंगे। देखते हैं इसमें कितना बेसन लगता है। डिपेंड करता है कि आलू में कितना मॉइस्चर है। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। आलू जितना बेसन एब्जॉर्ब करे उतना बेसन हमें इसमें डालना है। इसका डो हमने तैयार कर लिया है, ये सॉफ्ट सॉफ्ट डो तैयार हो गया है। इसका डो बहुत टाइट भी नहीं करना है, नहीं तो इसका सेव बनाने में हमें प्रॉब्लम हो सकती है। अब इसको हाथों में थोड़ा सा तेल लगाएंगे हाथों में और इसके चारों तरफ अच्छे से लगा के इसको 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। आज हम आपको 2 तरीके से सेव बनाना बताएंगे। अगर आपके पास सेव मशीन नहीं है तो आप बड़ी ही आसानी से इसे बना पाएंगे। इसे बनाने का पहला तरीका सेव बनाने वाली मशीन से, ये लगभग सभी के यहाँ होता है।
और ये मार्केट में इजीली मिल जाता है। तो बनाने का दूसरा तरीका, इससे बड़ी आसानी से बना सकते हैं, ये तो सभी के घर में रहता ही है। तो चलिए हम सेव बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे सेव मेकर मोल्ड से, इसको हम पहले खोल लेंगे ऐसे। ये देखिए इसमें बहुत ढेर सारी जालियां हैं, हम ये वाली जाली इस्तेमाल करेंगे। इसको जाली को इसमें लगा देंगे, अब इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा ऑयल। ऑयल डालकर इसको अच्छे से ग्रीस करेंगे, इससे इसमें जो है बेसन चिपकेगा नहीं और हमारी सेव बहुत अच्छे से बनेगी। ये डो हमारा 10 से 15 मिनट रेस्ट कर लिया है, ये देखिए। अब हाथों में हम थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे, अच्छे से ऑयल लगा लेंगे हाथों में और इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसमें थोड़ा सा डो को हम निकालेंगे और इसको ऐसे लंबे में रोल कर देंगे और इसको इसमें डाल देंगे। अब इसको ढक्कन को लगा देंगे। तेल को हमने गरम होने के लिए रख दिया है, इसको चेक कर लेते हैं गरम हुआ कि नहीं अच्छे से। ये देखिए तैर के ऊपर आ गया, इसका मतलब तेल अच्छे से गरम है। तेल बहुत ज्यादा धुआंधार गरम नहीं होना चाहिए, हल्का गरम होना चाहिए तेल। तो हम सेव बना लेते हैं। इसको बनाने से पहले हम गैस को लो फ्लेम पे कर देंगे, ये बहुत तेज फ्लेम रहेगा तो हमारा हाथ जल जाएगा। अब हम इसको बनाएंगे। जितना इसमें स्पेस है उतना सेव हमें गिराना है इसमें। अभी इसमें बहुत ढेर सारा झाग दिखाई दे रहा है, ये झाग थोड़ा कम हो जाए तब हम इसको पलट देंगे। अब गैस के फ्लेम को हम मीडियम में कर लेंगे और इसको पलट देंगे। इसको पलट पलट कर गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। ये गोल्डन ब्राउन हो गया है, अब इसे हम निकाल लेते हैं। अब इसी तरह हम दूसरा बैच भी फ्राई कर लेंगे। ये देखिए इसमें बहुत ज्यादा झाग हो गए हैं, झाग थोड़ा कम होने पर हम इसको पलट देंगे। अब हम दूसरे तरीके से बनाएंगे करछी से। ये करछी ले लिए हैं और इसको इस तरफ नहीं बनाना है, इसको ऐसे पलट के बैक साइड से। इसमें भी हम थोड़ा सा ऑयल ग्रीस कर लेंगे और थोड़ा सा डो हाथों में लेके इसको इस पे रख के ऐसे और इसको प्रेस करना है। इसको प्रेस करते हुए ऐसे ही सेव सारा बना लेंगे। इससे भी सेव बहुत अच्छा बन जाएगा, बस थोड़ा मोटा बनेगा मगर टेस्ट वही रहेगा।
ये देखिए बहुत अच्छे से बन गया। इसको हमने गोल्डन ब्राउन होने तक पका लिया है, अब इसको निकाल लेंगे। अब इसी तरह दूसरा बैच भी फ्राई कर लेते हैं। तो बहुत ऊपर से नहीं करके गिराना है, एकदम पास में, नहीं तो हाथ पे छिट्टा आ जाएगा तेल का। अब इसको भी हम निकाल लेते हैं। ये हमारी दोनों भुजिया बनकर तैयार हो गई है और एकदम एक क्रिस्पी, करारी और टेस्टी भुजिया बनी हुई है। अगर आप इसी ट्रिक और इसी रेसिपी से बनाएंगे तो आपकी भी भुजिया एकदम परफेक्ट बनेगी। इसको हम आपको तोड़ के भी दिखाते हैं। ये एकदम क्रिस्पी, करारी और टेस्टी भुजिया बनी हुई है। ये देखिए, ये देखिए, बहुत ही क्रिस्पी भुजिया बनी हुई है। अगर हमारी रेसिपी आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।